यार भाई मवंगित लगता है बजाज वाले तहलका मचा के ही मानेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, अभी नहीं बता रहा मैं आपको, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना प्लीज, मजा भरपूर आने वाला है। इन्होंने कुछ टाइम ट्राइम के साथ मिलके दो प्रोडक्ट बनाया था, स्पीड 400, एक का नाम था, एक का नाम स्क्रैम्बलर 400X नाम था। स्पीड 400 तो पहले ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन ये स्क्रैम्बलर 400X अब जाके लॉन्च हुई है भाई कुछ टाइम पहले ही। तो दोनों गाड़ियों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है भाई। अभी ये स्क्रैम्बलर तो उतना बिकी नहीं है, लेकिन स्पीड 400 अच्छा खासा बिक रही है भाई, महीने का 25,000, 30,000, 30,000 तो अभी नहीं टच हुआ है भाई, लेकिन 24-25,000 बिक जा रही है आराम से। तो यही रिस्पॉन्स देखते हुए बजाज ने पता है क्या डिसीजन लिया है, इसको जापान में भी लॉन्च कर दिया भाई। पहले अपने पास लॉन्च हुआ था इंडिया में, अब इसके बाद सेकंड जापान में इसको लॉन्च कर दिया। मतलब भाई बजाज वाले शांत बैठने वाले नहीं है। जापान में क्या प्राइस रखा है, क्या क्या चेंजेस करा, हर चीज़ बताता हूँ। जापान में थोड़ा सा अलग सा सिस्टम है भाई, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ना, वहाँ पे येन चलता है। तो वहाँ के प्राइस में स्पीड 400 लॉन्च हुआ है भाई 6,99,000 येन है, अगर इंडिया में कन्वर्ट करके बताऊं तो 3,86,000 के राउंड पड़ रहा है भाई। तो मतलब इंडिया से वहां पे महंगी लॉन्च हुई है। बाकी स्क्रैम्बलर 400 की बात करें तो वहां पे वो लॉन्च हुई है भाई 7,89,000 येन में, मतलब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 4,38,000 के राउंड पड़ता है। तो इंडिया में तो भाई 2,63,000 में ही मिल रही है स्क्रैम्बलर 400। तो इंडिया से भाई बहुत ही ज़्यादा प्राइस में जापान में लॉन्च किया गया है। बाकी गाड़ी के चेंजेज की बात करें तो भाई गाड़ी का इन्होंने कलर तक चेंज नहीं करा है, मतलब इतना कंजूसी ये लोग कर रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है ना कि स्पेक्स तो सारा इंडिया वाला ही होता है, लेकिन कलर ऑप्शन वहाँ के मनजोग लॉन्च करते हैं, लेकिन जो अपने पास कलर ऑप्शन है स्पीड 400 में या फिर आपके स्क्रैम्बलर में, वही सेम कलर ऑप्शन अपने को जापान में भी देखने को मिलेगा। बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन भाई इंडिया वाला ही है, 398 cc का जो इंजन देते हैं ना, लिक्विड कूल DOC सिंगल सिलेंडर इंजन, जो अपने को 40 bhp का पावर है और 38 Nm का राउंड टॉर्क निकाल के देता है, वही सेम इंजन वहां पे भी मिलेगा। कुछ भी चेंज नहीं करा इन्होंने मैकेनिकली, बस इन्होंने प्राइस यहाँ से महंगा रखा है, ये एक्सपोर्ट करके ले जा रहे हैं ना भाई, इसीलिए मैन्युफैक्चर तो इंडिया में ही होगा लेकिन विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे ये लोग है इंडिया से। बाकी ट्राइम वालों का ये भी कहना है कि हम इंडिया में और भी शोरूम खोलेंगे ट्राइम का, जिससे हमारा ज़्यादा सेल होगा। अभी गिनी चुने ट्राइम की शोरूम है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग सेल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका कहना है कि इस साल के लास्ट तक अच्छा खासा शोरूम खुल जाएगा इंडिया में हमारे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इनका अभी प्रोडक्शन 5,000 से 7,000 यूनिट पर मंथ है स्पीड 400 और आपका स्क्रैम्बलर 400 का, लेकिन ये लोग 10,000 पर मंथ बनाने की सोच रहे हैं दोनों गाड़ियों को, जिसके लिए ये लोग फैक्ट्री भी बड़ा करेंगे। तो यही है भाई आपकी बजाज चहेती कंपनी का एक छोटा सा अपडेट। ऐसी तरक्की करते रहे बजाज वाले, अच्छी बात है भाई, मेरे को तो सुन के बड़ा मजा आया। मैंने सोचा भाइयों को चलो बता ही देते हैं, वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन सोचा कि चलो भाइयों को खुशी होगा ये सुन के कि जापान में भी लॉन्च हो चुका है, जापान में भी बेचेंगे दबा के। लेकिन पता है वहां पे भी तो कॉम्पिटिशन होगा यार, इतना जल्दी थोड़ी ना फेमस हो जाएगी, ये भी तो बात है। देखते हैं कुछ और अपडेट आता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद।